हाय गाइस, यू आर मोस्ट ऑफ वेलकम। तो आज हम दूसरी पोयम द विंड पढ़ेंगे। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड क्रश अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। द विंड्स ब्लोज स्ट्रांगली एंड केजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। दिस पोयम इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, ही इज एन इंडियन राइटर। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने हवा को पवन देव कह करके पुकारा है, तो हम यहाँ पर इस कविता में पवन देव ही कहेंगे। ओके, विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड केजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब पवन देव तेजी के साथ ब्लो करते हैं, बहते हैं, तो बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। डिस्ट्रक्शन माने नुकसान पहुंचाना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, हम उन्हें कैसे मित्र बना सकते हैं, ये हमारी कविता में कहा गया। तो हम चलते हैं कविता पर। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, दे लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू ऑल द डाउन। पवन देव, कम सॉफ्टली, आप धीरे धीरे से बहें। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, आप खिड़कियों के दरवाजों को ना तोड़ें। डोंट स्कैटर द पेपर्स, आप पेपर को ना फाड़ें। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ पर पड़ी हुई, अलमारियों पर पड़ी हुई किताबों को आप थ्रो ना करें, आप नीचे ना फेंक दें। दे लुक व्हाट यू डिड, देखिए ना आपने क्या किया। यू थ्रो ऑल देम डाउन, आपने इन सारी चीजों को निकाल करके नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, देखिए आपने तो किताबों के पेजेज को भी टोर कर दिया है, फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और आप तो पुनः वर्षा लेकर के आ गए हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक हैं। एंड पोकिंग फन, और लोगों का मजा लेते हैं। एंड एट वीकलिंग्स, जो कमजोर हैं, मीन्स आप कमजोर वस्तुओं एवं कमजोर लोगों का मजाक बनाते हैं। क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल क्रम्बलिंग माने होता है बर्बाद हुआ, टूटता हुआ, अपने कमजोर घरों को तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग डोर्स, अपने कमजोर दरवाजों को तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, अपने कमजोर छतों को, रैफ्टर्स मीन्स होता है ऐसे छत जो कमजोर होते हैं, ओके, या छप्पर से बनाया गया छत, तो आपने छप्पर के बने हुए छतों को भी तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग वुड्स, आपने कमजोर लकड़ियों को भी तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज, आपने कमजोर शरीर को भी बर्बाद कर दिया है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, आपने कमजोर जीवन को भी नष्ट कर दिया है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, और आपने कमजोर लोगों के दिलों को भी तोड़ दिया है। द विंड्स गॉड्स विनोज एंड क्रशेज ऑल देम, कवि आपका फिर बताता है। द विंड गॉड्स ब्लोज एंड क्रशेज ऑल देम, पवन देव हर कमजोर चीजों को नष्ट कर देते हैं और उन्हें तिनके की तरह उड़ा देते हैं। विनोज मीन्स तिनके की तरह उड़ा देना, क्रश माने नष्ट कर देना। तो बताते हैं सुब्रमण्यम कि आपके पवन देव हैं, वो कमजोर लोगों की बात कभी नहीं सुनते हैं। आप कितना भी कहें कि पवन देव हमारा छत कमजोर है, प्लीज आप ना बहें, आप कितना भी प्रयास करें कि पवन देव हमारे पेपर को मत फाड़िए, हमारा पेपर कमजोर है, आप कितना भी कहें कि मेरे एक ही दरवाजा है, दरवाजा कमजोर है, प्लीज आप उसे ना तोड़ें, पवन देव नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि पवन देव कमजोरों की नहीं सुनते हैं। जितने भी कमजोर चीजें हैं इस दुनिया में, सबको पवन देव नष्ट कर देंगे, चाहे वो घर हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे कमजोर छत हो, चाहे जंगल हो, लकड़ियां हो, चाहे किसी का शरीर ही क्यों ना हो, जीवन ही क्यों ना हो, और यहाँ तक कि दिल ही क्यों ना हो। सुब्रमण्यम स्वामी आगे फिर कहते हैं, ओके, थोड़ा सा हम फिर एक अगला पैराग्राफ देखते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज ऑल देम, तो बताते हैं कि पवन देव हमेशा इन सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं जो कि कमजोर होती हैं। ओके, द विंड ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, और ही वुड नॉट डू, वो काम नहीं करते हैं व्हाट यू टेल हिम, जिसके लिए आप कहेंगे। मीन्स कमजोर लोग उनसे चाहे जितना भी प्रार्थना करें, लेकिन वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करते हैं जो कि कमजोर लोगों के हित में हो।
सो इसलिए कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। इसलिए सुब्रमण्यम भारती कहते हैं ऐ मेरे मित्रों, मेरे कमजोर भाइयों, चलो हम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, चलो हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, चलो हम अपने दरवाजों को मजबूती से जोड़ दें। प्रैक्टिसेस टू फर्म द बॉडीज, हम एक्सरसाइज करके, व्यायाम कर करके अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, चलो हम अपने हृदय को भी स्टेड फास्ट बनाएं, मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी विंड विद अस, डू दिस यह सब करो, मीन्स हर चीज को मजबूत बनाओ, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तब पवन देव हमारे मित्र बनेंगे, हमारे दोस्त बनेंगे। मीन्स आप मजबूत बनेंगे तभी पवन देव भी आपका साथ देंगे, आपके मित्र की तरह व्यवहार करेंगे। यदि आप कमजोर रहेंगे तो पवन देव आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स, यहाँ पर आपके सुब्रमण्यम स्वामी फिर कहते हैं, सुब्रमण्यम भारती जी, द विंड ब्लोज आउट ब्रेक फायर्स, जब पवन देव चलते हैं, ब्लोज बहते हैं, तो वीक फायर्स, जो कमजोर आग होती है, वो नष्ट हो जाती है, बुझ जाती है। He makes strong fires roar as flourishing, और जब आग तेज होती है तो पवन देव उसे और तेज बनाते हैं और भी तेज बनाते हैं। His friendship is good, उनकी मित्रता अच्छी है। We praise him every day, और हमें उनकी प्रतिदिन प्रशंसा करनी चाहिए। मीन्स पवन देव जब हर चीज को, कमजोर चीजों को नष्ट करते हैं तो लोग मजबूत बनाते हैं, और जब मजबूत बनाते हैं तो पवन देव आपकी मदद करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए इस जीवन में हर व्यक्ति को, हर सामान को मजबूत होना चाहिए, और तभी आपका जीवन सफल हो सकेगा। जब तक आप कमजोर रहेंगे तो आपका पड़ोसी सताएगा, आपके जितने दुश्मन है वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में, हर चीज में तेज बने, मजबूत बने, तो दुनिया में हर व्यक्ति आपकी मदद करेगा, चाहे वो पवन देव हो, चाहे इंद्रदेव हो, या कोई भी ईश्वर हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू।